राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टाक के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार को 16 क्विंटल डोडा चूरा प्रकरण में 9 साल से फरार स्थायी वारंटी को प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर उपकारागार जैतारण जिला पाली से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी टाक ने बताया कि 25 अप्रैल 2009 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक मिनी ट्रक में 80 बोरियों में 16 क्विंटल अवैध डोडा चोरा जब्त किया था। इस दौरान ट्रक में सवार हनुमाना राम पुत्र शुजाराम बिश्नोई व रामेश्वर लाल पुत्र आदुराम बिश्नोई निवासी रामड़ावास थाना पिपाड़ सिटी जिला जोधपुर ट्रक छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने एक तस्कर के विरुद्ध NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस लंबे समय से तस्कर की तलाश कर रही थी लेकिन अभियुक्त पुलिस के हत्थे कभी नहीं चढ़ा। गिरफ्तारी के हवाओं में न्यायालय ने तस्कर के विरुद्ध 299 CRPC में स्थायी वारंट जारी किए। उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टाक के नेतृत्व में द्वितीय थाना अधिकारी शंभूलाल दमामी नरपत सिंह कांस्टेबल अशोक की एक विशेष टीम गठित की। टीम को फरार तस्कर हनुमाना राम के उपनिरीक्षक कारागृह जैतारण जिला पाली में निरुद्ध होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने विशिष्ट न्यायाधीश NDPS एक्ट कोर्ट प्रतापगढ़ से प्रोडक्शन वारंट कर जैतारण पहुंची। वहां 9 सालों से स्थायी वारंटी हनुमाना राम पुत्र शुजाराम बिश्नोई निवासी रामड़ावास थाना पिपाड़ सिटी जिला जोधपुर को कारागृह जैतारण जिला पाली से गिरफ्तार। राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके।